हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्पर्क वर्क। ठीक है, एंड यार जिसने तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड उसको लग रहा है कि प्लेलिस्ट उसको हेल्प कर दिया, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, तो यार आज हम देखेंगे कि स्कॉट के डिफेक्ट क्या है। ठीक है, बेसिकली अब हमें देखना था कि स्कॉट की दैट इज पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट के अंदर हमें पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हमें दो डेरिवेशन करनी है, दैट इज स्कॉट के डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि स्कॉट के डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इन रियल क्रिस्टल्स देयर आर इररेगुलरिटीज ऑफ एटॉमिक एरे इन विच एटम्स आर मिसिंग एट सम लेटेस्ट पॉइंट, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड वैकेंसी, दैट इज स्कॉट के डिफेक्ट। सबसे पहले हमें पता है कि स्कॉट के डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, वैकेंसी की वजह से आता है, और किसकी वैकेंसी की वजह से आता है वो इधर से पता चलेगा। मान लो कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर से जब इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायंस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनायंस मिसिंग हो, तब हम क्या बोलते हैं कि उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट आएगा, स्कॉट के डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या, एक कटायन गिवन है हटा हुआ है और एक अनायन हटा हुआ है, तो इक्वल अमाउंट के हटे हुए हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि स्कॉट के डिफेक्ट इसकी वजह इसके इसकी वजह इनके ऑप्शंस की वजह से इसमें स्कॉट के डिफेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन, कि इसकी डेरिवेशन है क्या और क्या बोलना चाह रही है। ठीक है, समझेंगे उसको। सबसे पहली चीज आती है, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच We can pick n atoms from crystal consisting of n atoms is, सबसे पहले मतलब समझेंगे कि इसके अंदर अभी मान ले हम कि कैपिटल n atoms है। ठीक है, कितने atoms है, कैपिटल n अगर atoms है, टोटल atoms, इन सबको मिला के टोटल atoms कितने हैं, n है, और मान लेते हैं कि small n atoms जो है ये हमने निकले हैं, मतलब इनकी वजह से डिफेक्ट आया है, तो small n atoms निकले हुए हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये वाला जो एटम निकला है ये एक अनायन हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि अनायन हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, बेसिकली n c r होगी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, तो वो कितने होंगे, n c r, तो वो हमने निकाल दिया यहां पे, मतलब n c स्मॉल n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, w a इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। सिमिलरली एनायन का ये है, कैटायन का भी होगा यही, कि टोटल n है और n निकालने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा कि डब्ल्यू ए और डब्ल्यू सी कहां से आए। अब क्योंकि मुझे टोटल चाहिए, तो मैं डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू सी कर दूंगा और ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि स्कॉट के डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, कैटायंस और एनायंस इक्वल नंबर के जब मिस करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तब उसके अंदर एक स्कॉट के डिफेक्ट आता है, और स्कॉट के डिफेक्ट के अंदर अभी हमने माना कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर, टोटल एन एटम्स थे और टोटल स्मॉल एन एटम्स थे जिनकी वजह से डिफेक्ट आ रहा था। फिर हमने निकाला कि एनायंस कितने थे और उनकी वो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या थे, कि जितने तरीके से हम उन एन एटम्स को पिक कर सकते हैं उस क्रिस्टल से। सिमिलरली कैटायंस की हमने प्रोबेबिलिटी देखी, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही है ना, फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई कि इतने मिसिंग हो गए इनमें से, टोटल मिसिंग। ठीक है, तो क्या है, अब सिंस डिसऑर्डर इंक्रीजेस ड्यू टू क्रिएशन ऑफ एन वेकेंसीज सो कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एंट्रोपी। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि कुछ एटम्स यहां से निकलेंगे, ठीक है, कुछ कहीं वहां से निकलेंगे, तो ये बेसिकली रैपिड मूवमेंट होगा और इसकी वजह से क्या होगा कि एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा, मतलब एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी पूरे स्ट्रक्चर की। ठीक है, मतलब पूरे क्रिस्टल की, तो एनर्जी जब इंक्रीज करेगी तो उस एंट्रोपी को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला हमें पता है, बेसिक स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री जिसको भी बोले हम पढ़ रखा है, एस इज इक्वल टू के बी एल एन डब्ल्यू। ठीक है, क्या होता है, एस इज इक्वल टू के बी एल एन डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है, ये रहा, डब्ल्यू की वैल्यू इधर डाल दी, तो ये कितना आ गया, s इज इक्वल टू के बी एल एन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। अभी क्या निकाला हमने, इंक्रीज इन एंट्रोपी, बेसिकली ये इंक्रीज हुई है ना एंट्रोपी का, तो एंट्रोपी की इंक्रीज आ गई। अब विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू चेंज इन एनर्जी, बेसिकली एंट्रोपी इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी में भी चेंज आएगा। एनर्जी का जनरल हमें थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, या फिर ई भी बोल सकते हैं इसको, एफ बोल लो, कुछ भी बोल लो, एनर्जी है। ठीक है, Which is equal to U minus TS. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, और U क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है जिधर। ठीक है, तो F is equal to, अब इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, सोचो,
अगर ईपी मैं मान लू एक की एनर्जी, एक इसकी जो ये निकला है इसकी एक की एनर्जी अगर ईपी है तो टोटल कितने निकले हैं, एन इंटू ईपी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन इंटू ईपी, ये इंटरनल एनर्जी होगी किसकी, जो मिसिंग मिसिंग कैटायंस या एनायंस है, ठीक है, तो वो हो जाएगी एन इंटू ईपी माइनस के बी, एस की जगह हमने ये पूरा रिप्लेस कर दिया, के बी एल एन एन आई अपॉन एन माइनस वन एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म इधर लिख दी और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्लियर, ये कहां से आया, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा अब तक। अब आता है कि इस पूरी टर्म को कैसे सॉल्व करा जाए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, इसको अभी हमें सॉल्व करना था इजी वे में, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, क्या अप्लाई करेंगे, स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी टर्म है एल एन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, एल एन एक्स फैक्टोरियल है तो मैं उसे सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, वो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बेसिकली अगर एल एन एक्स फैक्टोरियल है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, तो अब मैंने हर जगह जिधर इधर, अब देखो जैसे एल एन है ये टू नीचे आएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो टू नीचे आया टू एल एन, और बेसिकली ये हमने फॉर्मूला लगा दिया लॉग एन फैक्टोरियल डिवाइड में है तो माइनस एल एन एन माइनस एन फैक्टोरियल माइनस एल एन एन फैक्टोरियल। अब मैंने हर जगह एल एन एन फैक्टोरियल था उसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लगाया इधर और उसे खोल दिया, ओपन कर दिया। सिमिलरली जब मैं उसे खोलूंगा तो टू लॉग एल एन एन फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाएगा, एन एल एन एन माइनस एन, एन एल एन एन माइनस एन। सिमिलरली एल एन एन माइनस एन के लिए क्या हो जाएगा, एन माइनस एन एल एन एन माइनस एन माइनस एन एन माइनस एन, वही मैंने लिखा n माइनस एन एल एन एन माइनस एन प्लस एन माइनस एन, प्लस क्यों है क्योंकि बाहर माइनस था, ठीक है, तो जब हम इसको पूरे को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और ये n और ये n बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो क्या आएगी, टू एन एल एन एन माइनस एन माइनस एन एल एन एन माइनस एन माइनस एन एल एन। इसको हमने क्या करा, स्टार में मार्क कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू कहां पर रिप्लेस करने वाले हैं, बेसिकली इसकी वैल्यू अब हम इधर रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं अब, और तो यार अब हमने क्या करा, इसकी वैल्यू हमने कहां डाल दी, एनर्जी में डाल दी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहां डाली, इधर रिप्लेस करी, तो रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिला, एफ इज इक्वल टू एन ई पी माइनस टू के बी टी, क्योंकि ये टू आ जाएगा इधर, तो टू के बी टी ब्रैकेट के अंदर ये पूरी की पूरी, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एन, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, डेरिवेशन इज नथिंग टू कैलकुलेट एन, है ना, नंबर ऑफ कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास बाहर निकले हुए, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे बाहर निकले हैं, ठीक है, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एन हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा, तो डीई डी एफ अपॉन डी एन इज इक्वल टू ई पी एज इट इज, एन का वन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट आ जाएगा खाली यहां पर, ep माइनस टू के बी टी, इसके अक्रॉस जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अक्रॉस कोई भी स्मॉल n की टर्म नहीं है, इसके अक्रॉस हमारे पास n ln n माइनस n रहेगी, जिसके लिए ये आएगी पूरी टर्म और इसकी वजह से ये आएगी पूरी टर्म। जब हम इस पे क्या करेंगे, ए बी रूल लगेंगे, जो भी होता है प्रोडक्ट रूल जो भी लगाएंगे उसमें विद डिफरेंशिएशन, आई होप इतना कर लोगे तुम लोग, ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है तो ये टर्म आएगी अब, ठीक है, तो अब जो हमारे पास आया है वो डी एफ अपॉन डी एन आया है, वो कितना आया है, ईपी माइनस टू के बी टी और एल एन एन माइनस एन अपॉन एन लिख दिया, इसको मैंने वन से वन कैंसिल हो जाएगा और एल एन एन माइनस एन माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एल एन एन माइनस एन अपॉन एन आया, ठीक है, ये आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कहां से आया क्या आया। अब क्या कर रहे हैं हम, फ्री एनर्जी इन थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड एट टेम्परेचर टी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी अटेन हुई होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी तक, ठीक है, ये टी तक वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो हमने क्या करा, ईपी माइनस टू के बी टी एल एन एन माइनस एन को किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब क्या कर रहे हैं हम, कुछ अब कुछ भी नहीं करा हमने, ईपी को यहीं रखा, ईपी ये उधर गई पूरी टर्म, तो इधर से हमने क्या करा, इस वाली टर्म को इधर रखा और टू के बी टी को हम नीचे ले आए, तो ये क्या हो गया, एल एन एन माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू ईपी अपॉन टू के बी टी, वेयर एन, अब हमने इसमें एक कंडीशन लगाई है, दैट इज स्मॉल एन इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल एन, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस डिफेक्ट में से कुछ निकल के आ रहे हैं तो वो जो निकल के आने वाले एटम्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है, कम क्वांटिटी में, तो कम क्वांटिटी में, तो हमने क्या बोला कि एन इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एन कैपिटल एन,
तो हमने इस वाले एन को क्या करा, निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये एल एन ई की पावर में चला गया इधर, तो ये यहाँ पे बचा एन अपॉन स्मॉल एन इज इक्वल टू ई की पावर ई पी अपॉन 2 kb। ये एल एन इधर ई की पावर में चला गया, यहाँ पे एन जो है वो निगलेक्ट कर दिया, तो एन अपॉन स्मॉल एन बचा खाली इज इक्वल टू ई की पावर ई पी अपॉन 2 kb। अब यहां से हमने क्या करा, एन की वैल्यू निकाली, दैट इज यहां से हमें कैपिटल एन की वैल्यू आ गई ना। अब यहां से हम स्मॉल एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज बेसिकली एन इंटू ई की पावर माइनस ई पी अपॉन 2 kb। ठीक है, जब क्योंकि हमें वैल्यू अल्टीमेटली किसकी चाहिए, स्मॉल एन की चाहिए ना, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू यहीं रखेंगे, एन अपॉन ई की पावर ई पी अपॉन 2 kb रखेंगे, तो ये ई की पावर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप ये स्मॉल एन की वैल्यू कहां से आई, हमने कहां से स्टार्ट करा था और कहां तक लेके आए इसको एन की वैल्यू, और ये अल्टीमेटली क्या है, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर निकलेंगे और स्कॉटकी डिफेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगी डेरिवेशन, हर एक स्टेप क्लियर होगा, जहां पर भी दिक्कत है उसे बैक करो, रिवाइंड करो, मैंने हर एक स्टेप अच्छे से बताया, उस स्टेप को देखो 2 मिनट के लिए, सोचो समझो, और समझ में आएगी डेरिवेशन, कुछ भी नहीं है, इजी डेरिवेशन है। ठीक है, और सेम स्कॉटकी डिफेक्ट के, फ्रेंकल डिफेक्ट की भी इसी की जैसी डेरिवेशन है। ठीक है, तो एक हो गई तो दूसरी अपने आप हो जाएगी, तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगी। एंड यार वीडियोस पसंद आती है तो डू सब्सक्राइब, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।